नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 नवंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को बिहारी न्यूज की ओर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज है धनतेरस, जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। घर में जन्म लेगी बेटी तो मिलेंगे 2000 रुपए। बिना पैन आधार के खरीदा जा सकता है इतना सोना। विश्व कप में भारत को हराने को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने दिया सुझाव। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय डाक में 1899 पदों पर निकली भर्ती। भारतीय डाक विभाग के द्वारा पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के 1899 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता निर्धारित की गई है। हालांकि उम्मीदवार का 10वीं 12वीं या स्नातक पास होना पद के अनुसार अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ पदों के लिए उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर ज्ञान का भी आवश्यकता है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को एक बार जरूर देख ले। आज है धनतेरस, जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के त्योहारों की शुरुआत आज यानी कि धनतेरस से होती है। बता दें कि धनतेरस का त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसे में इस बार धनतेरस आज यानी कि 10 नवंबर से हो रही है। मालूम हो कि आज के दिन लोग सोने चांदी के साथ साथ अन्य सामानों की खरीदारी करते हैं, क्योंकि आज खरीदारी का विशेष महत्व होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन धर्म के अनुसार आज के दिन झाड़ू और सोने चांदी के आभूषण की खरीदारी की मान्यता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। बता दें कि आज सोने चांदी या धनतेरस पर सामान की खरीदारी करने का आचार्यों के अनुसार शुभ मुहूर्त दोपहर 2:35 बजे से लेकर संध्या 6:40 बजे तक है। वही वैसे लोग जो आज खरीदारी नहीं कर पाते हैं, वो कल यानी कि शनिवार को 1:57 तक खरीदारी कर सकते हैं। वही आज धनतेरस को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश एवं देशवासियों पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि आए, प्रदेशवासी पारस्परिक प्रेम, आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द एवं शांतिपूर्ण ढंग से धनतेरस पर्व को मनाएं, बिहार प्रगति के शिखर पर पहुंचे। बिहारी पोथरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म आज ही के दिन 1871 में हुआ था। यह भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता तथा पत्रकार थे। वे भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने वाले लोगों में उनका नाम सबसे प्रमुख है। 1910 के चुनाव में 4 महाराजाओं को परास्त कर वे केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। प्रथम भारतीय जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है। वे पिबरी काउंसिल के सदस्य भी थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे समाजवादियों के साथ काम कर चुके सच्चिदानंद सिन्हा के समाज, राजनीति और समाजवाद पर कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें एक प्रांत का राज्यपाल और हाउस लॉर्ड्स का सदस्य बनने का श्रेय प्राप्त है। 1921 में डॉक्टर सिन्हा को 5 साल के लिए अर्थ सचिव और कानून मंत्री बनाया गया और इस तरह वह पहले हिंदुस्तानी बने जो इस पद पर पहुंचे थे। औरंगाबाद का एक घटक महाविद्यालय उन्हें समर्पित है और उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय था, जिसकी स्थापना आजादी के पहले प्रख्यात गांधीवादी अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ साथ अखौरी कृष्ण प्रकाश सिन्हा ने की थी। श्रद्धांजलि दी, सिन्हा एक पत्रकार और लेखक थे। वह इंडियन नेशन के प्रकाशक एवं हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक थे। बिहार में अब हर साल होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। अगर आप भी बिहार में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के द्वारा बीते दिन एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि वर्तमान में TRE 2.0 में CTET BEd देने वाले उम्मीदवारों को अनुमति देने की योजना नहीं है। इसके बजाय हर साल अगस्त में TRE आयोजित करने की योजना है। बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण में अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को आवेदन का मौका नहीं दिया गया है, जिसके बाद बीते बुधवार को सीटेड अपीयरिंग छात्रों के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें छात्रों के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि BPSC द्वितीय चरण शिक्षक भर्ती में CTET अपीयरिंग छात्रों को भी मौका दिया जाए। लेकिन अब आयोग की ओर से साफ कर दिया गया है कि अपीयरिंग वालों को TRE 2 में आवेदन का अवसर नहीं दिया जाएगा। बिहार सरकार कराएगी कोसी और गंडक बराज का सुरक्षा मूल्यांकन।
बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के द्वारा बीते दिन बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद अजय कुमार सिंह से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना में जवाब देते हुए यह जानकारी दी गई कि बिहार सरकार की ओर से बिहार में बाढ़ से सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डैम सेफ्टी और 2021 के प्रावधानों के आलोक में तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा राज्य में व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन कराने के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही विश्व बैंक संपोषित बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना के तहत कोसी बराज, वीरपुर और गंडक बराज वाल्मीकि नगर के पुनर्स्थापन का कार्य कराने का विचार किया जा रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोसी बराज और वीरपुर और गंडक बराज दोनों क्रियाशील है और बाढ़ से बचाव तथा सिंचाई सुविधा के लिहाज से दोनों काफी महत्वपूर्ण भी है। इस वर्ष रिकॉर्ड जलस्राव के बावजूद हम लोग उत्तर बिहार को कोसी नदी की बाढ़ की तबाही से बचाने में सफल रहे हैं। बेटी हमारी अनमोल में दिखेंगे मुजफ्फरपुर के सूरज। मशहूर टीवी शो निर्माता राकेश पासवान के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर के वाले राम चंद्र प्रसाद सिंह के बेटे सूरज कुमार महिला सशक्तिकरण पर आधारित एक नया सीरियल बेटी हमारी अनमोल है लेकर आ रहे हैं, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में जूही असलम खान, रानी चटर्जी, प्रथम कुंवर और कपिल सोनू है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह धारावाहिक नजारा टीवी पर रात 9 बजे सोमवार से शुक्रवार दिखाया जाएगा। इस बारे में सूरज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह सीरियल एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कद से छोटी है, जिसकी वजह से उसे समाज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मालूम हो कि सूरज कुमार इस सीरियल में को प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। सूरज कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस सीरियल के क्रिएटिव डायरेक्टर राजशेखर है और प्रोजेक्ट हेड प्रवीण सिंह है। सूरज बताते हैं कि वे राकेश पासवान से खास प्रभावित है, ऐसे में जब उन्हें उनके साथ काम करने का मौका मिला तो उन्होंने हाँ कर दी। आज बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिलों के तकनीकी एवं गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले आवेदकों के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए आज यानी कि 10 नवंबर को जिला स्तरीय एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला 2023 का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि रोजगार मेला बिहार के कटिहार के संयुक्त श्रम भवन लेबर सेंटर परिसर डेहरिया FCI गोदाम के सामने आयोजित होने वाला है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। मालूम हो कि रोजगार मेला में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों एवं निबंधकों को NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर निबंधन कराना अनिवार्य है। हालांकि निबंधन कराने की व्यवस्था आयोजन स्थल पर भी मौजूद होगी। वह इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेज के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए जिला नियोजन कार्यालय या फोन नंबर 9534453877 पर संपर्क कर सकते हैं। घर में जन्म लेगी बेटी तो मिलेंगे 2000 रुपए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा राज्य में भ्रूण हत्या रोकने, बच्चियों को शिक्षित करने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अगर घर में बेटियां जन्म लेती है तो विभाग की ओर से आपको कन्या उत्थान योजना के तहत 2000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि राशि बेटियों के माता पिता के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बारे में विभाग के कार्यपालक निदेशक के द्वारा सभी मेडिकल कॉलेजों व सदर अस्पतालों के सिविल सर्जन को इस योजना को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा अभी निर्देश दिया गया है कि जो भी बेटियां जन्म लेंगी उनकी सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम की खास बात यह है कि इस योजना के तहत एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चियां इसके लिए पात्र हो सकती हैं। वहीं सरकार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब तक इस योजना का लाभ 15 लाख बच्चियां उठा चुकी हैं। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक BPL कार्ड धारक होना चाहिए, बच्ची के जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर का होना आवश्यक है और आवेदन बच्ची के जन्म के 3 साल के भीतर होना चाहिए। वहीं कन्या शिशु का जन्म सरकारी अस्पताल या घर में होना चाहिए। बिना पैन आधार के खरीदा जा सकता है इतना सोना। आज धनतेरस है, ऐसे में आज के दिन सोना चांदी खरीदना काफी शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप भी आज के दिन सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। बता दें कि पैन या आधार कार्ड के बिना आप आयकर के नियम के अनुसार 2 लाख रुपए तक के सोने के आभूषण खरीद सकते हैं। दरअसल सरकार की ओर से 28 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर रत्न और आभूषण क्षेत्र को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाकर नकदी के साथ सोना खरीदने के नियमों को सख्त कर दिया गया है, जिसके तहत ज्वेलर्स को रिपोर्टिंग बनाया गया है, जिसके लिए उन्हें KYC मानदंडों का पालन करना होगा और साथ ही बड़े मूल्य के नकद लेन देन यानी 10 लाख रुपए या ऊपर के मामले को सरकार को बताना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप एक ही दिन में 2 लाख रुपए से अधिक की नकदी में सोने के आभूषण खरीदते हैं तो आप आयकर कानून का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि 2 लाख रुपए से अधिक के सोने के आभूषण खरीदने के लिए पैन आधार जरूरी है।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बराबर पहाड़ के बारे में। गया से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर बेलागंज से 20 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। इसके ऊपर भगवान शिव का मंदिर है, जहां हर वर्ष हजारों श्रद्धालु सावन के महीने में जल चढ़ाते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर को बानासुर ने बनवाया था, पुनः सम्राट अशोक ने मरम्मत करवाया। इसके नीचे सतघड़वा की गुफा है, जो प्राचीन स्थापत्य कला का नमूना है। इसके अतिरिक्त एक मार्ग गया से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर मखदूमपुर से भी है। इस पर जाने हेतु पातालगंगा, हथिया बोर और बावन सीढ़ी तीन मार्ग है, जो क्रमशः दक्षिण, पश्चिम और उत्तर से हैं। पूरब में फल्गु नदी है और गया से लगभग 25 किलोमीटर पूरब में टनकुपा प्रखंड में चोवार एक गांव है, जो कि गया जिले में एक अलग विशेषता रखता है। इस गांव में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी महानता रखता है। इस मंदिर में भगवान शिव को चाहे जितना भी जल क्यों नहीं चढ़ाए, पर आज तक इसका पता नहीं लग पाया है। और इसी गाँव में खुदाई में बहुत ही प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां और चांदी के बहुत सिक्के मिले हैं। इस गाँव में एक तार का पेड़ भी है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। इस तार के पेड़ की विशेषता यह है कि इस पेड़ में तीन डाल है, जो कि भगवान शिव के त्रिशूल के आकार का है। ये गांव की शोभा बढ़ाता है। आरजेडी कार्यालय के बाहर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। बीते दिन आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा अपनी मांगों को लेकर आरजेडी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया और जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान इनके हंगामे को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के द्वारा बीते मंगलवार से बिहार की राजधानी पटना में अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा। मंगलवार को जहां उनके द्वारा बिहार विधानसभा को घेरने की कोशिश की गई, तो वहीं बुधवार को डाक बंगला चौराहे पर उनके द्वारा सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनके द्वारा अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा, 5 गुना मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगे शामिल है। मालूम हो कि राज्य में करीब 5,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की 10,000 सेविकाएं 29 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। बिहार शिक्षक भर्ती के दूसरा चरण के लिए आज से शुरू होंगे आवेदन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आज यानी कि 10 नवंबर से आवेदन करने की शुरुआत हो रही है। वहीं बता दें कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 5 नवंबर से ही हो चुकी है, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत योग्यता व अर्हता से संबंधित जानकारी दी गई है। वहीं अब आवेदन करने के दौरान अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन में दर्ज सूचना से संबंधित प्रमाण पत्र, स्नातक, स्नातोत्तर, सीटीईटी, एसटीईटी आदि के सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे। बता दें कि तीनों चरणों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदन को पूर्ण माना जाएगा। ऐसे में अगर आप शुल्क जमा कर चुके हैं, तो यह न समझे कि आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। मालूम हो कि परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। राज्य में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में मौसम का मिजाज अब और भी खराब होने लगा है। इन दिनों तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में धुंध जैसे हालात हैं। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के उत्तर पूर्व और दक्षिण के जिलों में तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट देखी जा सकती है। विभाग की माने तो दिवाली के बाद धुंध और कोहरे में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह सतह से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक बना है। तापमान में भी गिरावट देखी जा रही। वही प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना हुआ है। इन दिनों लोगों को सुबह के समय प्रदेश के हिमालय के तलहटी के इलाकों में गंगा के मैदानी भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में धुंध छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस दौरान मौसम का मिजाज शुष्क बना रहेगा। सीसीटीवी की निगरानी में शिक्षकों का होगा स्कूल आवंटन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित शिक्षकों को स्कूल आवंटन किए जाने की पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसे शिक्षा विभाग प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखने का काम करेगा। बता दें कि इस कार्य को लेकर के पाठक की ओर से माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है। बता दें कि आदेश में कहा गया है कि शिक्षकों का पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडम किया जाएगा और यह रैंडमाइजेशन केवल 3 बार किया जाएगा, जिसमें तीसरी बार रैंडमाइजेशन फाइनल और अंतिम होगा और उसी के आधार पर शिक्षकों को पदस्थापित किया जाएगा। हालांकि इससे पहले सभी शिक्षकों की सूची और पदों को सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। मालूम हो कि विभाग के द्वारा ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 21 नवंबर तक सभी शिक्षकों का पदस्थापन स्कूलों में करा दिया जाए। इसको लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया जा चुका है। चांदी के बिस्कुट, विक्टोरिया सिक्का व जेवरात के साथ 2 युवक गिरफ्तार।
बीते दिन बिहार के नालंदा जिले के लेहरी थाना पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान नवादा की ओर से आ रहे बाइक सवार को रुकवाकर उनके पास से बैग में रखे 3 किलो 818 ग्राम चांदी का बिस्किट, 25 विक्टोरिया के सिक्के, 18 जोड़ी पायल और 21,500 रुपए बरामद किए गए। वहीं जब पुलिस के द्वारा इन सामानों से जुड़ी कागजात मांगी गई तो युवक के द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनकी पहचान संतोष कुमार और आदित्य कुमार के रूप में की गई है। बता दें कि इस बात की जानकारी सदर DSP नूरुल हक द्वारा दी गई। वही फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। मालूम हो कि वाहन जांच में थाना अध्यक्ष दीपक कुमार, दारोगा विकास कुमार, जमादार अकबर अंसारी व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। बिहार के लाल ने 22वें एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। फिलीपींस मनाली में चल रहे 22वें एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के लाल पद्मगिरी विलोचन के द्वारा चक्का फेंक प्रतिस्पर्धा में 35 प्लस आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीत बिहार का नाम रोशन करने का काम किया गया है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन संकरण के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि पद्मगिरी विलोचन के द्वारा 41.80 मीटर चक्का फेंक कर अपने नाम यह स्वर्ण पदक किया गया। यह न सिर्फ बिहार के लिए गर्व की बात है बल्कि यह दूसरे युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने वाला है। उन्होंने कहा कि बिहार के खिलाड़ी जिस खेल में मेडल प्राप्त करेंगे या किए हैं उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। सीएम नीतीश का आरक्षण पर केंद्र से बड़ी मांग, मांझी पर भड़के। बीते दिन बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से 50% से बढ़कर 65% हो गया है। वहीं EWS का 10% आरक्षण मिलाकर अब आरक्षण कुल 75% हो जाएगा। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार को भी जाति गणना करवानी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो आरक्षण भी बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस आरक्षण को तत्काल रूप से लागू कर दिया जाए। इसके साथ उन्होंने भाजपा सदस्यों से कहा कि वे केंद्र सरकार को कहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वहीं सदन में आरक्षण का प्रस्ताव पास होने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बोल रहे थे। ऐसे में उनकी बातों को सुनते ही सीएम नीतीश गुस्सा हो गए और कहे कि मांझी अब भाजपा की ओर भाग गए हैं या आप लोग के पीछे घूम रहे हैं और यह गवर्नर बनना चाहते हैं, इनको गवर्नर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि इसको कोई समझ नहीं है, कोई सेंस नहीं है, मेरी गलती के कारण मुख्यमंत्री बना, कुछ भी बोलता है। इस दौरान सीएम नीतीश को शांत कराने के लिए विजय चौधरी बोलते नजर आए। प्रशांत किशोर ने समझाया आरक्षण विधेयक का पेच। बिहार में आरक्षण का दायरा 15% और बढ़ाने के फैसले पर राष्ट्रीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा कहा गया कि बिहार के लोगों को पहले ये समझना होगा कि ये जनगणना नहीं सर्वे है जिसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। आरक्षण की जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने तय की है, जो बिहार विधानसभा से बाहर का मामला है। बिहार सरकार अगर इसमें कुछ संशोधन करना चाहती है और देश के कानून के अंतर्गत उसे किया जा सकता है तो उन्हें करना चाहिए। मैं बार बार कह भी रहा हूं कि जिसको जो संख्या है और अगर कोई समाज पीछे है तो उसको उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी के नाम पर अपना घर भरने की जो बात है, इसके अलावा खुद लूटकर और अपने बच्चों को जो बैठाए हुए हैं वो सही नहीं है। पिछले 32 सालों से नीतीश और लालू को छोड़कर बिहार में राज कौन कर रहा है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश और लालू यादव अगर बिहार में राज कर रहे हैं तो हकमारी तमिलनाडु का कोई नेता तो किया नहीं है। अगर समाज की हकमारी हुई है तो जो कि दिख भी रहा है तो ये हक मारने वाले लोग कौन है। जातिगत सर्वे जो आए इसे देखकर तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। आरक्षण संशोधन बिल पास होने के बाद नेता प्रतिपक्ष की आई प्रतिक्रिया। बीते दिन बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पास हो गया। वहीं विधेयक पास होने के बाद नेताओं के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के द्वारा कहा गया कि इस फैसले में BJP साथ थी और आज भी साथ है, पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आरक्षण बढ़ाने की जरूरत के लिए गन्ना की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। सिर्फ 4% लोग 50,000 से अधिक कमाते हैं, एक खास जाति के लोग सरकारी नौकरी में 15% है। उन्होंने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक को विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां से पास होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दिए जाने के बाद यह कानून बन जाएगा। वहीं EWS का आरक्षण दूसरे अधिनियम से लागू होगा। विश्व कप में भारत को हराने को लेकर एडम गिलक्रिस्ट ने दिया सुझाव। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के द्वारा फॉक्स क्रिकेट से बातचीत के दौरान विश्व कप 2023 में भारत को कैसे हराया जाए इसको लेकर अपना सुझाव दिया गया है। उनका मानना है कि भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए और उनसे दिन में गेंदबाजी करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है और लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भी मेन ब्लू की कोई कमजोरी नहीं है क्योंकि उनके पास विराट कोहली जैसा खिलाड़ी मौजूद है। उन्होंने कहा कि भारत की गेंदबाजी दूसरी टीमों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही है और खासकर रोशनी के नीचे बॉलिंग करते हुए उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। सिराज, समी और बुमराह के खिलाफ दिन में बल्लेबाजी करना अधिक अनुकूल होगा।
भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1951 में प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया। पुलिस ने 1994 में सियंत्र टापू श्रीनगर टापू में पहुंचकर अपना कहर बरपाया। भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने 2008 में रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने 2008 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2-0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता। सार्वजनिक क्षेत्र की आंध्रा बैंक ने 2008 में अपनी मुख्य उधारी दर में 0.75% की कटौती की। मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और पार्टी के सम्मानित नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म 1848 में हुआ। राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 1920 में हुआ। भारत की आजादी के लिए फांसी के फंदे पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक कन्हाई लाल दत्त का निधन 1908 में हुआ। भोपाल के प्रसिद्ध शायर फजल ताबिश का निधन 1995 में हुआ। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार विजय दान देथा का निधन 2013 में हुआ। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गंगा प्रसाद अग्निहोत्री का निधन 1931 में हुआ। वाराणसी में आज हम बात करेंगे पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के तहत 1,00,000 पदों पर प्रवेश परीक्षा के लिए बिना नियुक्ति होगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा भ्रामक है, आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है। व्हाट्सएप स्टेटस से कर सकेंगे कमाई। व्हाट्सएप समय समय पर नए फीचर्स पेश करता रहा है। अब व्हाट्सएप यूजर्स की कमाई का ऑप्शन लेकर आ रहा है जिसमें यूजर्स के स्टेटस में विज्ञापन दिखाई दिया जाएगा। अगर आप भी व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के शौकीन हैं तो आप इसके जरिए कमाई कर सकते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप की ओर से फिलहाल इस फीचर के रोल आउट होने की कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ब्राजील में एक इंटरव्यू देते हुए व्हाट्सएप प्रमुख विल कैथार्ट ने स्वीकार किया कि जल्द ही व्हाट्सएप पर विज्ञापन का ऑप्शन मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि कंपनी यूजर्स के प्राइमरी चैट इनबॉक्स में विज्ञापन नहीं दिखाएगी, जबकि ये व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप के स्टेटस फीचर में दिखाए जाएंगे। कैथकार्ट ने कहा कि अन्य जगहों पर जैसे चैनल्स या स्टेटस पर भी विज्ञापन हो सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए फीस ले सकते हैं। बता दें कि वे केवल उन कस्टमर्स के लिए उपलब्ध होंगे जो एक्सेस के लिए पेमेंट करते हैं। बीते दिन लाल निशान में बंद हुआ बाजार। बीते दिन 9 नवंबर को बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। एक तरफ जहां कारोबार के अंत में सेंसेक्स बीते दिन 143.41 अंक या 0.22% की गिरावट के साथ 64,832 पर और निफ्टी 48.20 अंक या 0.25% की कमजोरी के साथ 19,395.30 पर बंद हुआ। बता दें कि बीते दिन लगभग 1,318 शेयर बढ़े तो वहीं 1,979 शेयर गिरे, जबकि 123 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। मालूम हो कि बीते दिन निफ्टी के टॉप लूजर अदानी एंटरप्राइजेस, HUL, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अदानी पोर्ट्स और ONGC रहे हैं, जबकि M&M, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, हीरो मोटोकार्प और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। MP MLA पर चल रहे मुकदमों को लेकर उच्च न्यायालय को SC का आदेश। बीते दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को लेकर देश भर के उच्च न्यायालयों को आदेश देते हुए कहा गया है कि इन मामलों के निपटारे में तेजी लाई जाए। कोर्ट ने कहा कि वे खुद ऐसे मामले दर्ज करें और उनकी मॉनिटरिंग करें और खासतौर पर उन मामलों को प्राथमिकता दें जिनमें उम्र कैद जैसी सजा का प्रावधान हो। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इन मामलों के निपटारे को लेकर एक स्पेशल बेंच भी बना सकते हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच के द्वारा कहा गया कि ऐसे मामलों में टाइमलाइन को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं दिए जा सकते। इसके लिए सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को खुद से संज्ञान लेना होगा। इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में लंबित मुकदमों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए कार्यवाही को प्रेरित करें। मालूम हो कि इस दौरान यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश भर में मौजूदा एवं पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 5,175 केस लंबित है, जिनमें से 1,116 केस ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया में पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी एंजेलो मैथ्यूज, ऑप्शन डी ग्लेन मैक्सवेल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंजेलो मैथ्यूज। अगला सवाल, दरिया खान नूहानी को बिहार का शासक कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1416 से 18 ईस्वी, ऑप्शन बी 1495 से 1522 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 से 92 ईस्वी, ऑप्शन डी 1435 से 52 ईस्वी।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1495 से 1522 ईस्वी। अगला सवाल, कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आर एन मुथोलकर, ऑप्शन बी सी आर दास, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर एन मुथोलकर। अगला सवाल, बिहार में होम रूल लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी मौलाना मजरूल हक, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौलाना मजरूल हक। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मोहम्मद फहीम, विकास दास, चंद्रदीप, विवेक मिश्रा, उमेश सिसदेव, गोनर शर्मा, पंचम वर्मा, रंजीत मिश्रा, नूनो गोलू कुमार, उमेश, मुकेश, प्रहलाद कुमार, अनवर करीम खान, सभ्या झा, सन्नी कुमार, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज धनतेरस के मौके पर आप क्या क्या खरीदारी करने वाले हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।